हेलो फ्रेंड्स, आज आको नतुन एक्टा भिडिओ आज अपना आलोचना करम रेसिडेन्सियल बिल्डिंग एखर प्लेनिंग जी प्लेनिंग 30 फिट बै 40 फिट 12 स्कोर फिटर बिल्डिंग एन जो रिकायरमेंट आज 30 फिट बै 40 फिटर भर आम दो भाई ककाय तक थक लगे और 2 BHK हम लगे तो हेटो मते प्लेनिंग करा हुई से रेसिडेन्सियल बिल्डिंग प्लान फॉर टू ब्रदर्स ये तो हमारे 1200 स्क्वायर फिट आसे टोटल। तो बोलो आम भिडिओ आरम्भ करूँ। तो भिडिओ आरम्भ कर आगत अपना रिक्वेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल तो सबसक्राइब करा ना तो प्लीज सबसक्राइब कर लब और एने नतुन नतुन धरण प्लेनिंग अपने पाई थको यू चेनेल मैं कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड सब बिल्डिंग हक आसाम टाइप घर हक डिटेल्स आलोचना करूँ जो अपर क्या प्रब्लेम पाए और जो क्या प्लेनिंग लगे अपना यू प्लेनिंग एक्सुअलि एजन क्लायेंटर रिकुवेस्ट एजन सबसक्राइबर एजन रिकुवेस्ट बनवा से तो कमेन्ट दी आनेक प्लेनिंग एन लगे तो सीकार प्लेनिंग आशा करूँ प्लेनिंग भल लगे तो बोलो भिडिओ आरम्भ करूँ। तो फार्ष्ट आम यू फ्रंट साइड यू हल आम फ्रंट साइड इफाले आज ब्रेथ आज 30 फुट और लेंथ आसे 40 फुट। तो फार्ष्ट जी आम एन स्टेयर दिया है जो एट साइड एंट्री थी यू हल आम लेंडिंग पजिशन जी देखिसे यू लेंडिंग इफाल तल सुम गई यू प्लिन्थ लेवल जी थको अलग डाउन थको यू जाते इतना सोमाते प्रब्लेम ना फार्णिचार नाइबा क्या बस्तु जो अपने इफाल सुम जाए असुविधा ना। तो इफाल गई इफाले ऊपर उठी फार्ष्ट फ्लोर गई पा तो तार पास दिया कि इफाले आगे गई डायरेक्ट अपने यू एट एंट्रेस एट ब्लक यू एट एंट्रेस एट ब्लक ड्रईंग रूम दूटा दोफाले दो ड्रईंग रूम आसे तो ड्रईंग रूम बेडरूम कानेक्शन दिया बेडरूम हल 11 फिट बै 11.5 फिट आफाल 11 फिट बै 11.5 फिट आसे। तो अपना बेडरूम यू गेस्ट रूम हिसाब यूज करे यू गेस्ट रूम हिसाब यूज करे जी इच्छा अपना यूज करे और स्टेयर तो आज 7 फिट 3.5 फिट को थको एट साइड साफिशियंट हो जाए और लेंडिंग जी आए यू अलग डांगको दिया 4 फिट दिया जाते लेंडिंग बस्तु उठाते प्रब्लेम ना मानु घूरते दो मानु तीन जन मानु जो क्रस करते असुविधा ना। यू प्लेनिंग एनेकवा जो ऊपर अपने भाड़ा दी पे ऊपर जो प्लेनिंग करते अपने असुविधा ना भाड़ा दीब कब्लेम ना रेन्ट दी पे ऊपर रूम खी। तो तार पद आम यू जी हल तार पद हल ड्रईंग रूम दूटा रूम दूटा ड्रईंग रूम हल ड्रईंग रूम साइज खी आज अपना इफाले ब्रेथ तो आज अपना यू आज 15 फुट इफाले आज 15 फुट 15 फुट बै 10 फुट जी आज 15 फुट बै 10 फुट आए यू 15 फुट बै 10 फुट आफिसियेन्ट इतना अपना इतना अपना धुनिया कोई फार्णिचार बहाय सब काम पारे इतना सोफा बहुत पारे डाइनिंग एट डाइनिंग बहुत पारे सब पार तार पद इत किचेन दिया इफालों किचेन दूटा साइड किचेन दिया किचेन तो आज 7 फिट बै 10 फिट इफालों आज किचेन 7 फिट बै 10 फिट तमें दूटा एने प्लेनिंग दूटा सेम रखा जाते कारो प्रब्लेम ना। यू मजद जी देखे यू मजद 10 इंच वाल थे साउंड इफाल साउंड इफाल ना कारो जो डिस्टार्ब ना दूटा फेमिली थारे पूरा साफिशियेन्ट यू दिया तार पद एने दिया अलग स्पेस रखा जाते किचेन तो जा पे लास्ट जी बेडरूम थको बेडरूम तो जो प्रब्लेम ना यू बेडरूम आज अपना यू साइज आज 10 फिट बै 12 फिट यू बेडरूम यू बेडरूम यू टॉयलेट ब्लॉक दिया इफाले टॉयलेट इफाले टॉयलेट ब्लॉक यू बेडरूम इफाले टॉयलेट ब्लॉक दिया यू आज 10 फिट बै 12 फिट। तो यू आम टॉयलेट ब्लॉक जी आज टॉयलेट जी आज लेट्रिन बाथरूम जी थी 5 फिट बै 7 फिट आज साफिशियेन्ट अपना यूज करे। तो यू गोटे प्लेनिंग कर 30 फिट बै 40 फिट जो अपर एने प्लेनिंग भल लगे तो एने बना लो पे और कलम पजिशन खी मैं एक भिडिओत मैं देखा दीम के पोस्ट कत कत बहुत के प्लेनिंग करो प्रब्लेम ना कत कत पोस्ट बहाले यू बेलेगे भिडिओत मैं अपना देखाम
আৰু এইটো প্লেনিং যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে তো নেক্সট আৰু প্লেনিং মই আৰু ভাল ভাল প্লেনিং দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে কমেণ্ট দিলে নাইবা ভালকৈ যদি মোক জনায় এনেকুৱা ভাল লাগিছে তেতিয়া মোৰ আৰু নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। সো প্লিজ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ সো মাছ।